हमने लगभग जितनी बेसिक ट्रिक्स थी वो सारी सीख ली हैं। अब बस उन्हीं ट्रिक्स को और पॉलिश करना है, उन्हीं ट्रिक्स को अगले लेवल पे ले जाना है, यही करना है। वो पहले 7 क्वेश्चन हमारी ट्रिक्स ही थी। तो ये पहला पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे अंकल को ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बनाना है। आप इसी स्टेप पे एक्सपेंड कर दो, थोड़ी मेहनत लगेगी, बाद में फैक्टराइजेशन करके आराम से बना सकते हो। बट बेस्ट तरीका क्या है, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करो। अब प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। एक तो होता है कि अंधाधुंध इस्तेमाल करो, ज़बरदस्ती अंदर सिंप्लीफाई करते जाओ, बट यहाँ क्या आप ऐसे कैसे जज करें। तो एक सबसे लॉजिकल जो वे रहेगा वो ये रहेगा कि जो आपको आरएचएस दी है, क्यों ना इसी को बनाने की कोशिश कर लीजिए। अब मुझे ए माइनस बी चाहिए, देखो बना सकता हूँ, ये रहा ए और ये रहा बी, तो इसमें से इसको माइनस करा देते हैं। और आपसे कहा था कि अगर आप स्टेप सही लगा रहे हो, एक को ध्यान में रख के चलो, बाकियों के साथ अपने आप लगेगा स्टेप। अच्छा, तो जैसे ए माइनस बी बन रहा है तो बी माइनस सी भी बना सकता हूँ। हाँ, ये रहा, इन दोनों पे लग जाएगा रूल। तो और मैंने आपको कहा कि 3.4 की तरह यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक साथ दो रूल्स भी लगा सकते हो। अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहे दो रूल अभी स्टार्टिंग में, तो रुक जाओ, जब थोड़े से प्रैक्टिस कर लोगे तब दो एक साथ लगा देना। ये आपकी अपनी अपनी क्या कहते हैं, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं करके दिखाऊँ आपको कि दो रूल्स के साथ कैसे करोगे। तो मैं कर ये रहा हूँ कि इसमें से इसे माइनस करा रहा हूँ, तो ऊपर नीचे माइनस हो रहा है ना। 3.4 में मैंने अच्छे से आपको इस चीज़ के विजुलाइजेशन दिया था कि जब हम ऐसे रूल अप्लाई करते हैं तो वो रो पे अप्लाई होता है। अगर नहीं ध्यान तो पहले वो वाली वीडियो जाके देख लो, याद आ जाएगा कि कैसे हम इसको जज करते थे। अब मैं वो हाईलाइट नहीं करूँगा क्योंकि अब वक्त है बिना हाईलाइट करे उसको दिमाग में अपनी आंखों से देखने का, पहचानने का। तो मुझे इसमें से इसे माइनस करना है, तो स्टेप लगेगा आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस आर टू। दूसरा स्टेप लगेगा आर टू का, मुझे क्योंकि अगले में इसमें से इसको माइनस करना है तो आर टू की जगह आंसर चाहिए, इसलिए आर टू माइनस आर थ्री। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। इधर आ जाएगा वन में से, उप्स, वन में से वन गया जीरो, पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूँ। ए में से बी गया ए माइनस बी, एंड इधर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे वन में से वन गया जीरो, इधर बचेगा बी माइनस सी, और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ वन सी सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ आपको, जीरो जीरो वन, ये ए माइनस बी ऐसे रहेगा, बी माइनस सी भी, ये सी। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इस पे आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से बी माइनस सी बी प्लस सी, और नीचे सी स्क्वायर। अब बेनिफिट ये हुआ कि अगर आप ध्यान दो, जो हमारी रो वन है उसमें से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, कहोगे जीरो में से, तो हम जीरो में से कुछ भी कॉमन ले या करें उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए जैसे जीरो है, जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू इंटू जीरो, फिर वो जीरो रहेगा। तो वैसे ही जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू जीरो। तो इसलिए हम जीरो में से कुछ भी कॉमन ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जीरो से मल्टीप्लाई भी किसी नंबर की करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि रो वन में से तो ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, रो टू में से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, इधर तो जीरो है, तो कॉमन लेते हैं इसको। टेकिंग कॉमन, स्टेटमेंट प्रॉपर लिखना है एग्जाम में वरना नंबर कटेंगे कटेंगे। ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम रो वन एंड रो टू, लास्ट में रिस्पेक्ट जरूर दे देना, आई मीन रिस्पेक्टिवली। क्या, तो बाहर मैंने दो चीज़ें कॉमन ली, ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो अंदर देखिए क्या बचेगा, रो वन में तो बचेगा जीरो, ए माइनस बी इधर से कॉमन गया यहाँ वन, इधर वाले पार्ट की जगह ए प्लस बी बचेगा, एंड रो टू की जगह जीरो, इधर वन, इधर वाले पार्ट की जगह बी प्लस सी, और नीचे अंकल के पास वन सी सी स्क्वायर, ये हमारे बचे। ठीक है, अब क्या करें, अब देखें जरा प्रूफ में एग्जैक्टली था क्या जो हमें प्रूफ करना था। उसके अंदर एक चीज़ और चाहिए, वो है सी माइनस ए। तो सी माइनस ए, अब आपके पास दो ऑप्शन है बिकॉज आखिरी वैल्यू बची है। हम हमारा पर्पस था कि अंदर जो डिटर्मिनेंट है उसको आसान कर दें एक्सपेंड करने से पहले। तो आसान में मैंने आपको एक सिंपल सा सजेशन दिया था, नॉट रटवाया या कुछ ये बोला हो कि यही ही करना है, बिकॉज मेरे टाइम पे मुझसे ऐसा कहा गया था कि आपको ऐसे ही करना है तभी आप एक्सपेंड कर सकते हो। नो, सजेशन है कि दो जीरोज एक साथ बना लो, अगर दो जीरोज एक साथ बन गए उसके बाद एक्सपेंडिंग आसान हो जाती है। और ये भी बोल चुका हूँ किसी भी स्टेप पे एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मेहनत आपके उस जजमेंट पे डिपेंड करती है किस स्टेप पे एक्सपेंड कर रहे हो, कि कितनी मेहनत लगेगी। अब जैसे यहाँ है, अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये कि मैं अंदर कोशिश करके सी माइनस ए बना लूँ, वो बना भी सकता हूँ। बताऊँ कैसे, अगर आप इसमें से इसे माइनस करा दो तो बी से बी कट जाएगा, सी माइनस ए आ जाएगा,
यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगा, ये ज़ीरो तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, फिर कॉमन तो आराम से निकाल सकता हूँ ना, बट स्टिल मुझे आखिरी में जाके एक्सपेंड तो करना ही है, तो क्यों ना इसी स्टेप पे एक्सपेंड कर दूँ। रीज़न, ऑलरेडी दो ज़ीरोज़ एक साथ बन चुके हैं, तो हमारा बहुत हद तक डिटर्मिनेंट आसान हो चुका है, तो यही ना एक्सपेंड कर दिया जाए इसे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, तो जो डायमंड वाला पार्ट है वो तो ज़ीरो है, एंड उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ज़ीरो तो आप चाहो तो टीचर को फॉर्मेलिटी के लिए लिख के दिखा सकते हो, दो ज़ीरो स्टार्टिंग के, उसके बाद वन तो डायमंड में नहीं है, उसके सामने वाले हाइट करेंगे तो एक तो वो हाइट तो होना ही है जो मैंने इसको कर रखा है, तो बी प्लस सी वन से होगा मल्टीप्लाई बी प्लस सी, फॉर्मूला का माइनस, ये दिक्कत आ रही है ना, पेन कई बार सही से नहीं चलता, अब सही चला है, माइनस एंड इधर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी वन से हुआ ए प्लस बी आया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ पे अगर आप देखो तो अंदर मैं इसका साइन चेंज करूँ, माइनस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल हुआ, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, यही शो करना था ना, इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो ये है पूरा खेल प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज का एक ही मकसद डिटर्मिनेंट को आसान बनाते हैं, इस पूरे को शो करना है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। वही सेम ट्रिक लगाएं, अब यहाँ पे एक्स में से वाई माइनस करना, तो इस बार रो पे रूल लगेगा और वाई में से जेड, ताकि एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड आए, तो स्टेप वही लगेगा जो हमने एट्थ के फर्स्ट पार्ट में लगाया था, रो वन में से रो टू माइनस, एंड ठीक इसी तरह से रो टू में से रो थ्री माइनस, तो जब हम स्टेप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा गैप में इधर लिख दूँ, पहले मैं लिख देता हूँ फिर लाइन डालता हूँ, एक्स माइनस वाई इधर तो वाई माइनस जेड होगा, एंड थोड़ा सा नीचे करें, इधर आएगा हमारा जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और नीचे आएगा जेड स्क्वायर, यहाँ पर वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ पर आएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और लास्ट वाला तो एक्स वाई ऐसे ही रहेगा क्योंकि आर वन और आर टू को ही हमने चेंज किया था। ओके अब कॉमन लेने से पहले लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगी कि मैंने कॉमन कैसे निकाला। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तो आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी, एंड इधर नीचे वाले पे भी लिख देता हूँ वाई माइनस जेड, इधर भी वाई माइनस जेड वाई प्लस जी, एंड ये भाई साहब भी ऐसे, इधर ये एक्स वाई बहन जी भी ऐसे ही। यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया जेड तो अंदर बचेगा वाई माइनस एक्स, बट वी नीड एक्स माइनस वाई, तो इसको एक्स माइनस वाई बनाने के लिए यानी कि पोजिशन बदलने के लिए, क्लास 10th में ऐसे बड़े क्वेश्चन आए थे स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री, हम क्या करते हैं माइनस के साथ इसे कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या होता है ये एक्स माइनस वाई बन जाता है, ठीक ऐसे ही अगर इसमें से मैंने एक्स कॉमन लिया इधर वाले में से तो अंदर जेड माइनस वाई बचेगा और मुझे वाई माइनस जेड चाहिए, तो माइनस का एक्स कॉमन लूंगा जिससे इनकी पोजिशन बदल जाएगी, ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो बताना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को भी। अब मैं फिलहाल कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ टेकिंग कॉमन, दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, रो वन में से एक्स माइनस वाई, रो टू में से वाई माइनस जेड, तो एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम रो वन रो टू, एंड तो लगाया ही नहीं रिस्पेक्टिवली, कॉमन लेते हैं एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, इधर आएगा यहाँ भाई साहब आएंगे वन, इधर वाली बहन जी एक्स प्लस वाई और इधर वाले माइनस जेड, और बीच वाले में आएंगे वन, ये वाई प्लस जेड एंड ये माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड आ गया, मैं दिखाऊँ हमें और क्या चाहिए था, जेड माइनस एक्स, और ये पूरा, एंड आगे अभी बढ़ाने का ही फायदा, उसका रीज़न ये कि दो जीरोज एक साथ मिली नहीं है, क्वेश्चन को इतना भी आसान नहीं हुआ, तो वाई जेड माइनस एक्स बनाने की कोशिश करें क्योंकि हमारा तीसरा वही है जो हमें प्रूफ में चाहिए, ये बनाना तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो इसको एक्सपेंडिंग में ले लेंगे, तो एक्स जेड माइनस एक्स कैसे बन सकता है, ये जेड और एक्स दिख रहे हैं, मुझे जेड पॉजिटिव चाहिए और एक्स माइनस का, तो फिर ये करूँ इसमें से इसे माइनस करा देता हूँ, तो आराम से आ जाएगा ना जेड माइनस एक्स, तो आर टू में से आर वन माइनस होगा हमारे लिए, तो स्टेप अप्लाई करेंगे आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर वन, तो ये एक्स माइनस वाई, अरे एक तो एक्स ही नहीं बनता कई बार, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड तो ऐसे ही रहा, इधर आएगा ज़ीरो, सॉरी नॉट ज़ीरो, आर वन की जगह नहीं आर टू की जगह हमने करा था, और तो मैंने आपसे कहा था एक को ध्यान रखो बाकी पीछे पीछे आएंगे, वन माइनस वन ज़ीरो, वाई प्लस जेड में से इसको माइनस करें तो वाई प्लस जेड में से माइनस हुआ एक्स, और इसका साइन चेंज हो जाएगा ना इन दोनों का, तो
तो वाई से वाई चल बसा, क्या आया जेड माइनस एक्स, कहा था ना अपने आप आ जाता है, एंड माइनस एक्स प्लस जेड दिस इज ऑल्सो वही, ये तो हमें पता ही था। या अब कॉमन निकालें, रो टू में से कॉमन आ रहा है जेड माइनस एक्स, हाँ जी कॉमन लिया जाए तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड आंटी तो बाहर थी ही, एक और आंटी आ गई जेड माइनस एक्स, तो ऊपर बच्चा वन एक्स प्लस वाई एंड दिस बिकम्स माइनस जेड, यहाँ शून्य जीरो कहते हैं जिसको हिंदी में, यहाँ वन दिस इज ऑल्सो वन, एंड इधर थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ज़रा सा बटन प्रेस करो पूरा स्क्रीन ही नीचे कर देता है ये सॉफ्टवेयर। या अब हमारे पास आखिरी टर्म बची है, अब आपके ऊपर है, दो जीरोस बना लो पहले या फिर इसी स्टेप पे एक्सपेंड कर दो, जब जिस स्टेप पे आपको लगे कि एक्सपेंड करना आसान है। अगर मैं बनाना चाहूँ, देखो ये कर सकता हूँ कि वन में से वन माइनस कर दूं तो यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर सिर्फ इसी के अलोंग एक्सपेंड होगा, थोड़ा आसान हो सकता है, तो कॉलम टू में से कॉलम थ्री माइनस कर रहा हूँ, सो लिटिल बिट ईजी हो जाएगा, तो एक्सपेंड करने के लिए हमें मेहनत कम लगेगी। आई होप आप सबको क्लियर होगा पर्पस कि प्रॉपर्टीज़ का एक रीज़न आसान बनाना क्वेश्चन को एक्सपेंडिंग से पहले। एक्स प्लस वाई में से इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, एंड ये शून्य हो गया, एंड अंकल ये आएंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये वाले भाई साहब तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, माइनस जेड वन और इधर एक्स वाई, तो अब हम आर टू के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, आर टू ये हमारा आर टू है, इसमें जो वन अंकल हैं वो डायमंड में है तो इनका साइन हमें ध्यान रखना होगा, ये डायमंड वाली चीज़ भूलना मत, आपको अच्छे से 4.1 के टाइम एक्सप्लेन की थी। एक्सपेंडिंग अलोंग आर टू, तो बाहर वाले ये तीन भाई साहब तो ऐसे ही रहेंगे, हो गए पहले ये आंटी थी अब भाई साहब हो गए, तो सी इसका कोई जेंडर नहीं है, आप जो मर्जी बुला लो यहाँ वन है तो ये माइनस वन हो जाएगा, चाहो तो वो स्टार्टिंग के दो जीरोज लिख के दिखा दो माइनस वन, एंड इसके सामने वाले अगर हाइड करेंगे, ये हाइड होगा तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वन से मल्टीप्लाई होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बीच में फॉर्मूला का माइनस, जेड की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड से होगी, तो जेड एक्स जेड वाई जेड स्क्वायर, ये आया। अब चलते हैं नीचे, इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्वेश्चन बोर्ड में चार चार नंबर में आ चुके हैं, हो गए इतना सारा चार में, तो ये इतना सारा नहीं है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए बहुत बड़ा लग रहा है देखने में। ओके ये आसान से ही है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये हो जाएगा माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड वाई प्लस का नॉट प्लस का माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है इससे थोड़ा सा मैं स्क्रीन इधर कर दूँ ना दिखेगा नहीं, माइनस का जेड स्क्वायर, एंड अब बेनिफिट ये हुआ कि जेड स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया, जो बाकी के बच रहे हैं बाहर माइनस है वो इन सब का साइन चेंज कर देगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इधर आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स एंड जेड वाई, तो आप चाहो तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स करके इसको लिख दो, प्रूफ में यही चाहिए था ना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, आपकी इच्छा, आपको पता है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, आगे पीछे हो दैट डजेंट मैटर, तो ये हमारा आर एच एस आ गया, प्रॉपर्टीज़ का यही फ़ायदा है, ठीक है।